हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं उन साइंस एस्पिरेंट की जो स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर ऑब्लिक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नेट 2019 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसे आप एएसआरपी आईसीआर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी नेट के एग्जाम होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सीएसआई, यूजीसी नेट। अगर स्टूडेंट को सीएसआई, यूजीसी नेट एग्जाम टफ लगता है तो वे एआरएस और आईसीआर नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड सीएसआई, यूजीसी नेट से थोड़ा आसान होता है, तो इस एग्जाम को प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एआरएस नेट का नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे और इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फीस, क्वालिफाइंग मार्क्स ईटीसी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एएसआरबी की साइट पे जो कि है www.asrb.org.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर आपको एक लेटेस्ट न्यूज में दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आईसीआर नेट 2019, इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन फॉर आईसीआर नेट एग्जामिनेशन 2019 डिस्प्ले होगा। तो यहां पे आपको कहां जाना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जिससे एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। इस विंडो में एग्जामिनेशन का नाम, जैसे कि आईसीआर नेट और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आज देखेंगे इसका नोटिफिकेशन। तो इसके बाद हम लोग इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हम जरा इसे फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। हाँ, तो ये आईसीआर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 का नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। तो इसमें क्या है, क्या दे रखा है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड विल होल्ड आईसीआर नेट 2019 एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 9 दिसंबर 2019 टू 15 दिसंबर 2019 टेंटेटिवली इन ऑनलाइन मोड एट 32 सेंटर। यानी कि एसआरबी का जो एग्जाम होगा वो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा और ये जो डेट दे रखी ये टेंटेटिवली है, मीन्स इसमें चेंज परिवर्तन हो सकता है। और जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे है और ये पूरे इंडिया में 32 सेंटर्स पे होगा। अब इसका देख लेते हैं कि इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 4 नवंबर है। अब देख लेते हैं कि इसके सेंटर्स कहाँ हैं। तो इसके सेंटर्स इंडिया में होंगे और टोटल जो सेंटर्स है वो 32 है ऑल ओवर इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट में क्या है कि जो स्टूडेंट है उनकी एज 21 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे नीचे वाले की एज के स्टूडेंट इसे नहीं फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर आप 40 ईयर्स के भी हैं, 45 ईयर्स के भी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फी की, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फी क्या है। तो जो जनरल कैंडिडेट है या अनरिजर्व कैंडिडेट, उनका जो एप्लीकेशन फी है वो 1000 रुपीज है। वहीं जो जनरल की सब कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी, उसकी एप्लीकेशन फी 500 रुपीज है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, दिव्यांग ओब्ली वुमेन की जो फीस है वो 250 रुपीज है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अटेम्प्ट्स के बारे में। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, जैसे कि आप देखा और भी एग्जाम्स थी एसआईआर नेट या यूजीसी नेट, उसी तरह एआरएस नेट में भी नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट में। यानी कि आप अगर 25 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स या 35 ईयर्स, 45 ईयर, 50 ईयर्स, जितने भी साल के हैं आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन सीएसआई नेट का जो एग्जाम है उसमें एक सीएसआई नेट जेआरएफ भी होता है, जिसमें एक एज लिमिट होती है कि उस एज लिमिट के ऊपर आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर नेट का आपको एग्जाम देना, चाहे वो सीएसआई का हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे एआरएस नेट हो, इसमें आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं किसी भी एज में। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये अपेंडिक्स 3 में ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले अगर आपको ये अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, आपको एएसआरबी की साइट या इसके अलावा आप आईसीआर की साइट से भी इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साइट क्या है, www.asrb.org.in। इस साइट पे क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ,
सेंटर्स यानी कि जो एएसआरबी नेट, जो नेट का एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है, उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। तो इसके 32 सेंटर्स हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था आपको। तो जो आपके घर के पास सेंटर हो, आप वहाँ पर वो एप्लीकेशन में फिलअप कर सकते हैं, और मिनिमम आपको यहाँ पे दो चॉइस फिलअप करनी पड़ेगी। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने सेंटर चूज करें ताकि आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आ जाते हैं डिसिप्लिन पे, यानी कि किस किस डिसिप्लिन में आप एआरएस नेट या एएसआरबी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वो क्या क्या है। तो इसमें बहुत सी डिसिप्लिन दे रखी हैं, लाइक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी ऑब्लिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे ही करके बहुत सारी डिसिप्लिन दे रखी है। अप्रॉक्स आई थिंक 57 डिसिप्लिन दे रखी है। तो ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो पीजी डिग्री है वो किसमें है। तो आप बहुत केयरफुली अपना ये आईसीआर नेट का फॉर्म भरिएगा, नहीं तो अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, तो अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसीलिए अप्लाई करने, किसी भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लें, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद देख लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर आईसीआर नेट 2019, यानी कि आईसीआर नेट में जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पे आएगा, और किस पैटर्न पे आएगा, और उसका जो मिनिमम मार्क्स है कि कितने मार्क्स पे आईसीआर नेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आईसीआर नेट का। तो इसमें एक सिंगल पेपर होगा जिसका मार्क्स 150 होगा, और ये पूरे 150 जो क्वेश्चन होंगे ये पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इनका जो टाइम होगा वो 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे, और जो इनका मार्क्स है 150 मार्क्स होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। इसके साथ ही साथ इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इसीलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जो भी आप क्वेश्चन करें उसे सोच समझ के करें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर इसमें दे रखी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सोच समझ के करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स जितने रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग आईसीआर नेट 2019 एग्जामिनेशन। तो अब अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 75, मतलब 150 में 75, तो ये कितना परसेंट हुआ, 50%। इसी तरह अनरिजर्व, इसी तरह ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 67.5, यानी कि आपको 150 में 67.5 मार्क्स लाने हैं, और इसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 45% है। ऐसे ही अगर एससी एसटी या दिव्यांग के लिए देखें, तो इसमें आपको 60 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150, और जो इसका परसेंटेज है वो 40%, यानी जनरल के लिए 50% कट ऑफ है, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 40%, यानी कि इतने दी जाता मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने अगर आप एआरएस नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके पास कुछ रूल्स दे रखे हैं आईसीआर नेट के लिए, लाइक नेशनलिटी, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं इसकी फीस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, वही ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी दिव्यांग और वुमेन के लिए 250, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने आपको बोल दिए हैं, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक सर्टिफिकेट फॉर्म्स, लाइक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग, शेड्यूल्ड टाइप के लिए अलग है, देन ओबीसी के लिए सेपरेट है, लाइक दैट फॉर्म सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये सब फॉर्म अभी आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी तो आपको बस नॉर्मली फॉर्म को फिलअप करना, एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस डॉक्यूमेंट्स को, इन सब डॉक्यूमेंट्स को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करा के पहले से ही रख लें, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहीं पे मेरा वीडियो ये समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जाए वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।